गुड मॉर्निंग मम्मा, खा रही है बिस्किट। बिस्किट से मम्मा का ब्रेकफास्ट हो रहा है, देखिए आप लोग। और ये है मेरा न्यूज़पेपर, चाय बन रहा है क्योंकि आज मेरा उठने में थोड़ा लेट हो गया। लेट हो गया मतलब इच्छा नहीं हो रहा था उठने का, तो ठीक है अभी चाय पी के न्यूज़पेपर पढ़ के मैं निकल जाऊंगा सेंटर के लिए, फिर बाद में आके ब्रेकफास्ट करेंगे। इधर पापा का चल रहा है ऑनलाइन क्लास, पापा का भी चल रहा है बंगाली क्लास, तो ऑलरेडी हो गया है पापा का बंगाली क्लास, कंप्लीट होने का टाइम हो गया है। तो ठीक है कंप्लीट हो गया है ना, ठीक है। ये जो आप ग्रीन पीस का जो सैपलिंग्स देख रहे हैं, ये 7-8 दिन से रूम में हम लोग इसको रेडी किए, फिर अभी इसको यहाँ पे आज ज़मीन पे गाड़ देंगे। तो छत पे थोड़ा सा मिट्टी था एक जगह पे, तो वहीं पे इसको लगा देंगे। मैं अभी छत पे आ गया, ये मिट्टी इसको रेडी करना है। तो सैपलिंग्स का एकदम जस्ट रूट्स निकला है, तो उसको अंदर जाने के लिए एकदम अलग सा मिट्टी रखना पड़ेगा, इसलिए मैं पानी कम ही दूंगा। तो ये सब रेडी करके मैं एक एक करके जितना भी मटर है उसको यहाँ पे डाल के, फिर उसमें ऊपर से थोड़ा सा हल्का हल्का करके मिट्टी देके, फिर एकदम हल्का सा पानी दे दूंगा। तो होपफुली 3-4 दिन में इसका रूट्स निकल के मिट्टी के अंदर चला जाएगा और आप लोगों को फिर नया मटर हम दिखा पाएंगे। यहाँ पे लगा दिया ये सैपलिंग्स को, और नीचे जो मैगी के टब में था जिसमें मटर आया था एक, उसको भी आज यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए। तो ठीक है चलिए देखते हैं कब तक ये बड़ा होता है, कब इसमें फिर से फल आता है। ये देखिए फूल हुआ है ऑलरेडी, कल दिखाया था एक वो मटर भी हुआ था। तो ये देखिए मटर, तो ये मटर हुआ था। तो ठीक है चलिए आगे देखते हैं, ये अगर बड़ा होगा तो और भी ज़्यादा अच्छा से मटर वटर होगा। मैं नहा लिया और अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ब्रेकफास्ट में मोना बनाई है, ये पापा के लिए चाउमीन बनाई थी सुबह, उसमें से थोड़ा सा है तो यही खाएंगे। और साथ में ये है ओट्स, मसाला ओट्स, और ये पकोड़ा है, ये एक मैं खाऊंगा, बाकी मोना खाएगी, और बाकी पकोड़ा मैं खाऊंगा लंच पे। ये है आपका क्या बोलते हैं उसको, चाल कुमड़ो बोलते हैं हम लोग बांग्ला में, तो उसका पकोड़ा है पतला पतला करके काट के। ठीक है ब्रेकफास्ट करते हैं। मंगलवार है तो मैं आया हूँ हनुमान मंदिर पूजा करने, और ये देखिए ये मिलनपल्ली का हनुमान मंदिर है, यहाँ भी पूजा करेंगे। लंच के लिए घर आ गए, और ये मैं कर रहा हूँ कम तेल में पकोड़ा फ्राई। तो ठीक है इसका रेसिपी आप लोगों को एक दिन बताऊंगा कम तेल में कैसे कैसे पकोड़ा फ्राई किया जा सकता है। फिलहाल तो मेरा पकोड़ा जल जाएगा वीडियो के चक्कर में। मैं लंच करने बैठ गया, ये है कैबेज का सब्जी, यहाँ पे है मूंग का दाल, और ये पकोड़ा। तो फिलहाल मैं और पापा खाने बैठा, पापा भी शुरू किया, मेरा भी प्लेट आ गया, मैं लगा लिया। तो फिर से मुझे काम है, तो मैं जल्दी से लंच करके फिर निकल जाऊंगा। सिलीगुड़ी और उसका कभी ना ख़त्म होने वाला ट्रैफिक जैम, मैं अभी फंसा हूँ वेनस मोड़ में। शाम का वक्त है और मैं आ गया थोड़ा समोसा खाने के लिए, एक समोसा लेंगे, और ये देखिए साथ में जलेबी है तो एक जलेबी भी लेंगे और भूख मिटाएंगे। मेरे सेंटर के सामने से जा रही है फीमेल पुलिस, ये देखिए स्कूटी में फीमेल पुलिस जा रही है, ये सिलीगुड़ी ट्रैफिक पुलिस कमिश्नरेट का नया एडिशन है। तो हम लोग अभी इतना सारा रिमोट लेके कॉफ़ी पीने बैठे हैं क्योंकि टीवी चल रहा है, और पापा को देखिए पापा ला रहा है हम लोगों के लिए बिस्किट, ये मेरा बिस्किट है, और पापा भी देखिए यहीं पे बैठा है। हम लोग टीवी पे देख रहे हैं जुमान जी, देखिए, और मामा टैक टैक किए जा रही है,
ये जो कपड़ा आप लोग देख रहे हैं, मम्मा इसको अंदर ले लेती है केज के अंदर, फिर इसे काटती रहती है, तो इसीलिए इसको निकाल के रखा बाहर। तो हम लोग अभी पियेंगे कॉफी। फिर से यहाँ पे इन दोनों का चल रहा है आज बेबलेट का मैच। जब भी टाइम मिलता है माँ बेटा बेबलेट खेलना शुरू कर देता है, बेटा हार गया, हार गया। तो पापा आज शायद हार जाएगा। पापा हार गया। डिनर डिनर करेंगे हम लोग, और मेरे लिए है रोटी, कैबेज और दो पकौड़ा। मोना और पापा लेंगे राइस, दाल, थोड़ा सा कैबेज है और पकौड़ा। तो पापा भी यहाँ पे रेडी है खाना खाने के लिए, और मोना को देखिए सर्व कर रही है। तो ठीक है, हम लोग डिनर कर लेते हैं और डिनर के बाद आप लोगों से थोड़ा बात करेंगे। तो डिनर कंप्लीट करके मैं और पापा बैठा 5 मिनट का रेस्ट, उसके बाद जाएंगे हम लोग बिस्तर बिस्तर रेडी करके बेड बना के सोने जाएंगे। पापा भी सोने चला जाएगा क्योंकि आज बहुत सुबह उठा है, योगा से स्टार्ट किया दिन, फिर स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर बेबलेट, बहुत सारा काम था। फिर बीच में पापा आज 10-15 शीट वर्कशीट किया। 10-15 10 से ज़्यादा ही होगा, वर्कशीट्स पुराना था वो पेंडिंग था, वो सब कंप्लीट कर लिया सेकेंड हाफ में। तो बहुत पढ़ाई किया आज, इसके लिए उसको कुछ थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा जल्दी सोने का, और कल योगा नहीं है तो कल थोड़ा लेट उठ सकता है। तो ठीक है, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताएं मुझे कैसा हो रहा है मेरा ब्लॉग्स, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट, बाय।